हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो कैसे आप सभी? आई होप आप सभी स्टूडेंट ठीक होंगे। तो मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार कॉलेज अपडेट्स में। तो देखिए, बीए प्रोग्राम और बीकॉम प्रोग्राम के जो फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट हैं, जो छात्र हैं, जो छात्राएँ हैं, उनको अपने रिजल्ट का काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार है। बट अभी तक रिजल्ट को लेकर कोई अपडेट नहीं आ रही। और जैसा कि कॉलेज अपडेट्स ने कहा था कि ओपन बुक एग्जामिनेशन का रिजल्ट सेप्टेम्बर में आएगा, बेसिकली वो आ चुका है। वो था ऑनर्स वालों का, ठीक है ना, क्योंकि ऑनर्स वाले में कम स्टूडेंट होते हैं जिसकी वजह से रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है जल्द से जल्द। अब बात आती है कि प्रोग्राम वालों का क्या होगा, प्रोग्राम वालों के रिजल्ट कब तक आएंगे। ठीक है, बेसिकली मैं आपको लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था, कल मैंने एक ऑनलाइन सेशन भी लिया था 2:30 बजे करीब, तो उसमें भी मेरी कई स्टूडेंट से बात हुई कि सर रिजल्ट कब तक आएगा। तो मैंने उनको बताया भी था कि जो आपका रिजल्ट है, जब भी ऑनर्स का रिजल्ट आ जाता है उसके 1 से 2 हफ्ते के अंदर आ जाता है। बट एक हफ्ता तो होने को, अब दूसरा हफ्ता चल रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है ना। क्या रिजल्ट सितंबर एंड तक आ जाएगा? ठीक है, देखिए पहली बात तो मैं आपको बता दूँ, जितना मैंने पता किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी SOL से, जितनी मेरी बात हुई है, जितनी हमारी टीम को इन्फॉर्मेशन मिली है, उसके मुताबिक तो यही है कि जो रिजल्ट होता है ऑनर्स के साथ ही 2 से 3 हफ्ते के अंदर आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है ना। 2 हफ्ते मिनिमम मान के चलो प्रोग्राम वालों का रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है। बट अभी कई स्टूडेंट कहते हैं कि सर हमने प्रेमराज सर से भी बात की थी, क्योंकि बेसिकली मैं आपको बता दूँ, जो प्रेमराज सर हैं वो सेक्शन ऑफिसर है SOL के, और वो BCOM के टीचर हैं, ठीक है ना। वो BCOM के रिजल्ट के बारे में ही आपको जानकारी देंगे। तो बेसिकली उनका क्या कहना है वो मैं आपको दिखाऊंगा, मेरे पास स्क्रीनशॉट भी है, ठीक है ना। एक स्टूडेंट ने व्हाट्सअप पे उनसे बात भी की थी, उनका भी मैं रखूंगा, ऐसी बात नहीं है, मैं आज इस वीडियो में दोनों ही चीज़ रखूंगा। देखिए, आपके पास अभी 2 डेट है फिलहाल। पहली डेट अगर आप प्रेमराज सर के अकॉर्डिंग चलोगे, ठीक है, तो आपका जो रिजल्ट है वो मैं आपको पहले दिखाता हूँ प्रेमराज सर ने क्या बोला है BCOM वाले स्टूडेंट के लिए। देखिए, BCOM के लिए, प्रोग्राम के लिए एक ही बात है, ठीक है। पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ प्रेमराज सर ने क्या बोला है, उसके बाद फिर आगे की बात करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये प्रेमराज सर से एक स्टूडेंट ने बात करी है। उन्होंने पूछा है कि सर, व्हेन शैल वी गेट आवर फर्स्ट रिजल्ट, विच कोर्स? इन्होंने कहा बीए BCOM प्रोग्राम। उन्होंने कहा ओपन बुक एग्ज़ाम का? इन्होंने कहा यस सर। तो इन्होंने कहा है कि इट विल टेक टाइम टू ड्यू द पोस्टपोनमेंट ऑफ द एग्ज़ाम। इस टाइम पे एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो रहे हैं। सोल में डिक्लेयर रिजल्ट फ्रॉम द 3rd week of October to November, बट नॉट बिफोर द 3rd week of October। यानी सोल आपका जो रिजल्ट डिक्लेयर करेगा, इनके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है ना, हमारे अकॉर्डिंग नहीं है, इनके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि जो सोल रिजल्ट डिक्लेयर करेगा BCOM प्रोग्राम वालों का, मतलब प्रोग्राम वालों का मान के चलिए, वो आपके अक्टूबर के लास्ट वीक तक करेगा, उससे पहले नहीं कर सकता है, नवंबर भी हो सकता है। सो आई वुड सजेस्ट स्टूडेंट ज्वाइन सम वोकेशनल कोर्सेज फ्रॉम DU। यानी इन्होंने ये सजेस्ट किया कि आप इससे अच्छा वोकेशनल कोर्सेज को ज्वाइन करें जो DU कराता है। तो इन्होंने कहा थैंक्स सर। फिर इन्होंने पूछा, सर क्या आपने स्टूडेंट को पहले रिजल्ट के बारे में अपडेट किया है? तो बेसिकली बात ये है कि प्रेमराज सर के अकॉर्डिंग अगर हम रिजल्ट को देखें, तो जो आपका रिजल्ट है वो इन्होंने कहा है अक्टूबर लास्ट वीक तक, नहीं नवंबर फर्स्ट वीक भी हो सकता है। बट हमारे अकॉर्डिंग, जितनी हमें पता है कि जो ऑनर्स के बाद 2 से 3 हफ्ते के अंदर आपका रिजल्ट आ जाता है, तो आपके पास अभी 2 डेट है, ठीक है। देखिए, फिक्स डेट किसी के पास नहीं है, इन्होंने भी अंदाजे से ही बोला है, इन्होंने भी यही बोला है कि या तो अक्टूबर के लास्ट वीक में आ सकता है या नवंबर के फर्स्ट वीक में। देखिए, कन्फर्म डेट ना तो इनको पता है, किसी को नहीं पता, ओनली वीक और मंथ ही कोई ना कोई बता सकता है एक अंदाजे से आप, ठीक है ना। तो बेसिकली अब आपके पास 2 डेट है, पहली डेट सेप्टेम्बर से अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक, 10 तारीख के बाद तक आप देख सकते हो, 15 तक, अगर इस बीच नहीं आता तो आपका, तो फिर कहीं ना कहीं अक्टूबर लास्ट वीक से नवंबर फर्स्ट वीक तक आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, ठीक है ना। बेसिकली देखिए, ऑनर्स वालों के जो रिजल्ट आए ना, वो भी आधे रिजल्ट ही अभी तक आए, जितना मैंने सर्वे किया, जितना मैंने कन्फर्म किया, क्योंकि आधे रिजल्ट आए, आधे रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुए। क्योंकि सोल क्या करता है, जब उसको लगता है कि हाँ डेट करीब आ गई है, तो जितने रिजल्ट में काम पूरा हो जाता है उतने रिजल्ट वो डिक्लेयर कर देता है, ताकि स्टूडेंट को ये लगे कि देखिए हमने तो रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया, मतलब लॉलीपॉप पकड़ा देते हैं स्टूडेंट को एक तरीके से। बट अभी भी कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं ऑनर्स वाले जिनको
प्रॉपर अपना रिजल्ट पूरी तरीके से नहीं मिला है, क्योंकि वो जब रिजल्ट चेक करते हैं तो उनका लिखा आता है नॉट डिक्लेयर, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं ये भी एक देखने वाली चीज़ होगी। और दूसरा, फर्स्ट सेमेस्टर का भी अभी तक रिजल्ट बीए प्रोग्राम का नहीं आया, यानी कि प्रोग्राम वाले रिजल्ट सारे अभी पेंडिंग है, फर्स्ट के भी थर्ड के भी सारे रिजल्ट अभी पेंडिंग है। तो हो सकता है कि एक साथ निकाले, ठीक है। कल मेरी एक स्टूडेंट से बात हुई थी कि सर वो कहते हैं कि सर मैंने कंफर्म किया है कि वो कह रहे कि सेकंड फेज के साथ आएगा। हाँ, ये भी बात ठीक है, क्योंकि जब प्रेमराज सर का मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी तो उन्होंने भी उसमें कहा था कि ये दिल्ली यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगी क्या सेकंड फेज के बाद निकालेंगे या उससे पहले, ठीक है ना। तो बेसिकली आप तो देखिए, वेट करने के अलावा ना तो आपके पास कुछ है ना हमारे पास, बेसिकली हम आप उसमें इंफॉर्मेशन एक प्रोवाइड करा सकते हैं। अब आपके पास दो डेट है, सेप्टेम्बर लास्ट वीक से अक्टूबर फर्स्ट वीक तक, दूसरा अक्टूबर के लास्ट वीक से नवंबर फर्स्ट वीक तक, ठीक है ना। अब इससे पहले अगर आपको रिजल्ट चाहिए, अगर एडमिशन कराना है, तो मेरी मानिए कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट आप निकलवा लीजिए, कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट लेके आप अपना एडमिशन करा लीजिए, जब ऑफिशियल आएगा आता रहेगा, ठीक है ना। मेरी मानो तो यही करो, क्योंकि सोल के अंदर रिजल्ट की कोई टाइमिंग नहीं है। बेसिकली टाइमिंग मैं क्यों नहीं कह रहा, क्योंकि पहला रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है सोल की तरफ से, तो जब पहला रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है तो दूसरा रिजल्ट की कोई भी टाइमिंग नहीं। हो सकता है आज ही आ जाए, जब मैं वीडियो डाल रहा हूँ, वीडियो डालने के दो दिन बाद आए, कल आ जाए, एक हफ्ते किसी हफ्ते के अंदर आ जाए। तो जैसे भी होगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। देखिए, मेरा काम है आपको अपडेट करना, हर चीज़ मैं आपको शेयर करता हूँ। जब कल स्टूडेंट कहता कि सर अक्टूबर बताए, तो वो भी मेरे पास है, मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। तो ये भी हमारे स्टूडेंट ने शेयर किया हमें। तो बेसिकली अगर आपके पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन होती है तो आप शेयर कीजिए, हम जो आपकी इन्फॉर्मेशन वो और स्टूडेंट को शेयर कर देंगे। बेसिकली देखिए, दो चीज़ें हैं। अब आप या तो वेट कर लीजिए, या अगर आपको ज़्यादा नीड है तो कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट सोल जाके ले लीजिए। कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट लेने के लिए सिंपली कुछ नहीं करना है आपको, 500 रुपये फीस लगेगी, और जो डॉक्यूमेंटेशन होता है पूरा कीजिएगा आप ऑनलाइन साइबर कैफे वहीं पे, और 650 के अंदर आपका कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट आपके हाथ में मिल जाएगा। अगर आप वेट करना चाहते हैं वेट कर लीजिए, और बाकी जैसी रिजल्ट आएगा मैं आपको अपडेट कर दूँगा, ठीक है ना। तो वैसे मुझे जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन है कि दो हफ्ते के अंदर ही रिजल्ट आ जाना चाहिए बीए प्रोग्राम वालों का। बेसिकली अब बाकी बात रही प्रेमराज सर की, जब ये कह रहे हैं कि अक्टूबर लास्ट वीक तक आएगा, तो फिर तो दो डेट हो गई। अब देखते क्या कैसे क्या होता है, बाकी जैसे रिजल्ट आएगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा इसी चैनल के माध्यम से, ठीक है। और हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम रिजल्ट से रिकॉर्डिंग जो भी अपडेट होती है हम आपको देते हैं, क्या सच है क्या झूठ है, ठीक है ना। बाकी ठीक है, अब जैसा है, और आज के लिए बस इतना ही। आई होप मेरी दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी। फर्दर कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी लिंक टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉलेज अपडेट्स के नेम से उसे ज़रूर ज्वाइन कर ले, क्योंकि जो भी छोटी मोटी अपडेट होती है वो मैं आपको वहाँ पर शेयर करता हूँ। बेसिकली देखिए, गुस्सा मुझे भी आता है कभी कभार कि रिजल्ट इतना डिले क्यों हो रहा है, बट क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये भी एक प्रोसेस है आप यूनिवर्सिटी, ठीक है। आप तो इसके बारे में बोलने बेकार है, बाकी जैसे होगा मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। तो ये छोटी सी वीडियो थी जो आपको मुझे देनी थी, प्रोवाइड करानी थी। दो डेट है, सितंबर से अक्टूबर फर्स्ट वीक तक, दूसरी अक्टूबर के लास्ट वीक से नवंबर फर्स्ट वीक तक, ठीक है ना। और बाकी उससे पहले आ जाता है, मैं तो चाहता हूँ कि जैसी वीडियो डालूँ 24 घंटे के अंदर आ जाए, बहुत अच्छी बात है। तो बेसिकली देखिए, हम तो कोशिश यही कर रहे हैं कि ऑनलाइन के माध्यम से जितने स्टूडेंट्स हम जुड़ सके उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सके, क्योंकि सोल तो कर नहीं रहा, क्योंकि सोल की तरफ से तो कोई प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है ही नहीं स्टूडेंट के लिए। जैसे हमें जहाँ से हमें मिलती है, चाहे आर्टिकल के तहत हो, क्या सर से अगर हम कॉन्टैक्ट करें, उनसे हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होती है तो हम आपको देते हैं। तो आज के लिए बस नहीं, थैंक यू सो मच।